बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जल जीवन मिशन घोटाला मामला। ईडी ने महेश जोशी को समन भेजा है। कल ईडी के सामने पेश होने के निर्देश, क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के निर्देश। जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, जल जीवन मिशन घोटाला का एक पूरा मामला है जिसमें महेश जोशी को समन भेजा गया है। ईडी ने महेश जोशी को समन भेजा है। संवाददाता राकेश शर्मा फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राकेश, ईडी ने महेश जोशी को समन भेजा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके घोटाले की ईडी लगातार जांच कर रही है, उसमें जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के मामले में पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। इस मामले में हमने पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से बात भी की, उन्होंने समन की पुष्टि की है, कहा है कि समन मिला है ईडी की तरफ से और इस बारे में वो लीगल सलाह जो है वो ले रहे हैं, जो उनके एडवोकेट हैं और एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है, उसके बाद विधिवत तरीके से ईडी को इसमें जो है जवाब दिया जाएगा। क्योंकि कल का समय है, जैसा हमारी ईडी के सूत्रों से बात हुई है, कल पूछताछ के लिए बुलाया है, तो जो भी पूछताछ के संबंध में उनके विधिक सलाहकार सलाह देंगे उसी के अनुसार डॉक्टर महेश जोशी ने जवाब देने की बात कही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको देंगे। पेपर लीक और नकल प्रकरण में बड़ा अपडेट सामने आया है। एसओजी को व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों पर मिल चुकी है 826 शिकायतें। 21 फरवरी तक एसओजी को मिली 800 से अधिक शिकायतें। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ी 225 शिकायतें मिली हैं। टीचर और रीट भर्ती से जुड़ी 189 शिकायतें मिली हैं। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा से जुड़ी 56 शिकायतें मिली हैं। लैब असिस्टेंट कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी 36 शिकायतें मिली हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली की 33, पीटीआई भर्ती की 35 शिकायतें मिली है। एलडीसी भर्ती में धांधली की 26, क्लर्क भर्ती में अनियमितताओं की 6 शिकायतें, वीडियो भर्ती और ईओ और आरओ भर्ती की 11 शिकायतें मिली है। तो जयपुर से जानकारी, पेपर लीक और नकल प्रकरण में बड़ा अपडेट। विष्णु शर्मा संवाददाता जयपुर से फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, पेपर लीक और नकल प्रकरण में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया था, जिसका प्रभारी चीफ एडीजी वीके सिंह को बनाया और एसआईटी ने अपने काम शुरुआत करने के साथ साथ नकल जो माफिया थे उन पे रोक लगाना, उनको धरपकड़ करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू कर दिया। और सबसे खास बात रही कि इस पूरे मामले में एसओजी ने आम जन की मदद चाहिए, क्योंकि एसओजी को लगता था, एसआईटी को लगता था कि कहीं ना कहीं आम जनता के पास काफी सारी शिकायतें, उनके पास इनपुट्स हैं पेपर नकल लीक मामलों के अंदर। ऐसे में एडीजी वीके सिंह ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, साथ में लोगों से अपील की कि जिनके पास भी पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई, नकल माफियाओं से जुड़ी हुई कोई यदि कोई शिकायतें हैं, कोई तथ्य है, सबूत हैं, तो वे एसआईटी को दे, वो शिकायत गोपनीय रखी जाएगी उनका नाम। और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि 21 फरवरी तक 826 शिकायतें या तथ्य सबूत एसओजी को अलग अलग परीक्षाओं के मामले में मिले, जो और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर एसओजी की जांच आगे भी बढ़ी। यदि मैं बात करता हूँ भरतपुर के सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहाग की और ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर इंदु बाला की, तो ये दोनों की गिरफ्तारियां भी इसी तरह की इनपुट के आधार पर एसओजी ने की थी और जिसमें दोनों की गिरफ्तारियां भी हुई। तो बड़ी बात, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजस्थान में इस तरह के इनपुट्स एसओजी के एसआईटी टीम ने मांगे और जनता उनको मदद कर रही है, और उसी की वजह से अलग अलग पेपर जो माफिया थे या नकल की गतिविधियां कहें उनमें इनपुट्स मिलने के बाद एसओजी की एसआईटी की टीम की कार्रवाई की गई और अभी भी जारी है। जी बिल्कुल विष्णु, और लगातार ये कार्रवाई आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है अभी और इस पूरे मामले पर कितने लोगों पर गाज गिर सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि करीब 1000 से ज्यादा शिकायतें अब तक हो चुकी है, मिल चुकी है। आप देखिए कि हर परीक्षा पेपर, हाँ, जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा पिछले साल आयोजित की गई, यानी पिछले सरकार के कार्यकाल में आयोजित की गई, तकरीबन हर परीक्षा से जुड़ी हुई शिकायतें एसओजी को मिली है, एसआईटी को मिली है। और आज ही 4 नकल जो बड़े जो नकल माफिया है, हाँ, शेर सिंह मीणा, जगदीश बिश्नोई, तमाम जो 4 बड़े नकल माफिया है, उनको एसओजी ने फिर से 10 दिन के रिमांड पर लिया, उनको प्रोडक्शन वारंट पर अलग अलग जेलों से गिरफ्तार किया। बिल्कुल विष्णु, और कहीं ना कहीं ये जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है इससे नकल माफियाओं में जो है खलबली भी मची हुई है, हड़कंप में मचा हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर।